घर पर टमाटर का सूप बनाने की विधि पर हमारे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको चरण दर चरण दिखाएंगे कि ताजे टमाटर और कुछ सरल सामग्री का उपयोग करके स्वादिष्ट टमाटर का सूप कैसे बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर व्यंजनों को अपनी इच्छित सर्विंग्स की संख्या के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट पर आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसे बड़ा या छोटा या प्रिंट भी कर सकते हैं। आप डिश की मिर्च को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। यह अनूठी विशेषता आपको नुस्खा को अपनी वांछित सेवा या मिर्च में अनुकूलित करने की अनुमति देगी। यदि आपने नुस्खा बदल दिया है तो कृपया इन राशियों का पालन करें। मध्यम आंच पर एक बर्तन में एक बड़ा चम्मच मक्खन गरम करें। एक तेज पत्ते को तीन या चार टुकड़ों में तोड़ लें। थोड़ा हिलाओ। लहसुन की चार लौंग डालें। आधा इंच कटा हुआ अदरक डालें। एक मध्यम कटा हुआ प्याज डालें। मक्खन के साथ सभी सामग्री को कवर करने के लिए थोड़ा भूनें। एक कटा हुआ मध्यम गाजर डालें। छह मध्यम कटे हुए टमाटर डालें। अच्छी तरह मिलाएं। ढककर लगभग 15 मिनट तक उबलने दें। 15 मिनट बाद ढक्कन हटाकर सामग्री को चलाएं। आधा छोटा चम्मच नमक डालें। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डालें। अच्छी तरह मिलाने के लिए हिलाएं। ढककर और 20 मिनट तक उबलने दें। 20 मिनट बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह चलाएं। बड़े चम्मच चावल डालें। अच्छी तरह मिलाने के लिए हिलाएं। दो कप पानी डालें। उबाल आने दें, ढक दें और 15 मिनट तक पकने दें। 15 मिनट बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह चलाएं। लगभग 5 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ दें। पानी को दूसरे बर्तन में छान लें। जितना हो सके उतना पानी निकालना सुनिश्चित करें। सब्जियों को दूसरे बर्तन में डालें। बे पत्ती को हटा दें। एक महीन पेस्ट में मिलाएं। पिसे हुए पेस्ट को एक पैन में मध्यम आंच पर रखें। पेस्ट में छाना हुआ पानी डालें। अच्छी तरह मिलाने के लिए धीरे धीरे हिलाएं। एक चौथाई छोटा चम्मच सफेद मिर्च डालें। एक चौथाई चम्मच काली मिर्च डालें। अच्छी तरह मिलाने के लिए हिलाएं। आधा चम्मच सूखी तुलसी डालें। आधा छोटा चम्मच चीनी डालें। अच्छी तरह मिलाने के लिए हिलाएं। उबाल आने दें, बीच बीच में हिलाते रहें, लगभग 5 मिनट के लिए या मनचाहा गाढ़ापन आने तक। आधा छोटा चम्मच मक्खन डालें। सूप में मक्खन मिलाने के लिए हिलाएं। क्राउटन के साथ या इच्छानुसार आनंद लें।